फिर बच्चे बाहर से बनवा लेते हैं ठीक है बाहर से बनवा लिया बाहर से बनवा के सबमिट करवा दिया चल भी जाते हैं यूनिवर्सिटी वालों को भी ये बात पता होती है कि भाई बच्चे ने बाहर से असाइनमेंट बनवाया फिर तो टीचर ने पूछ लिया कि भाई असाइनमेंट में क्या था आपके तो अब क्या जवाब दोगे आप कुछ भी नहीं जवाब दे पाओगे असाइनमेंट बनाने के दो तरीके होते हैं एक तो जो स्टूडेंट खुद बनाता है और एक जो बाहर से बनवाता है ठीक है अभी डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि आप खुद बना रहे हो या बाहर से बनवा रहे हो दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे पर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो खुद से असाइनमेंट बनते हैं वो कैसे बनते हैं मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी में एंटर कर चुके हो ठीक है Uh, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी जरूरी है वो होती है यूनिट सिस्टम मान लो आप मास्टर्स कर लो तो मास्टर्स के अंदर आपकी क्या रहती है यूनिट वाइज सिस्टम होता है बैचलर का भी सेम रहता है कोई डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा दो महीने की एक यूनिट होती है और एक यूनिट के आपको अंदर दो असाइनमेंट सबमिट करने होंगे जो आपको पहला असाइनमेंट सबमिट करना होगा वो होता है आपको फोर्थ वीक के एंड में दूसरे मंथ के फोर्थ वीक के एंड में आपको दूसरा असाइनमेंट सबमिट करना होगा ठीक है जब आपकी यूनिट शुरू होगी तो आपका जो टीचर होगा कोऑर्डिनेटर होगा आपको सब सारा कुछ समझाएगा भी आपके असाइनमेंट कैसे बनते हैं क्या क्या सिस्टम होते हैं आपको कैसे लिखना है क्योंकि जब हम जो इंडिया से पढ़ के आते हैं जो हम इंडिया में असाइनमेंट्स बनाते हैं मतलब अपनी होम कंट्री कोई भी हो सकती है पाकिस्तान बांग्लादेश कोई भी हो सकती है ठीक है उनमें जो असाइनमेंट बनते हैं और जो यहाँ पे असाइनमेंट्स बनते हैं टोटली अपोजिट होते हैं और जो यहाँ पे स्टडी का स्ट्रक्चर है वो टोटली अपोजिट होता है तो ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है ऐसे मत करना है कि अपने इंडिया में जो असाइनमेंट बनाया और जो आपने यहाँ पे असाइनमेंट बनाया दोनों सेम चिपका देना नहीं भाई सबसे पहले आपको ब्रीफ समझना पड़ेगा अब मान लो कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ दो एक्स वाई जेड कोई भी नाम मान लें ठीक है अब उस यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी क्या करती है हर यूनिवर्सिटी के एक एप्लीकेशन होते हैं उस एप्लीकेशन के अंदर आपका सब कुछ रहेगा कि आपने कितनी अटेंडेंस आपने ली है आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं आपका टीचर कौन है आपकी कितने दिन क्लासेज होंगी और आपका सिलेबस क्या है ठीक है और इन बिटवीन ही आपका वहाँ पे आपको जो सिलेबस है उसी के अंदर आपको ब्रीफ मिलेगा ब्रीफ का मतलब क्या होता है कि लाइक like, आपको असाइनमेंट के अंदर क्या लिखना है उसमें सब लिखा होगा कि पहले कि आपको असाइनमेंट कितने बजे सबमिट करना है कौन सी डेट को सबमिट करना है फिर उसके बाद लिखा होगा कि उसमें कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं असाइनमेंट्स के अंदर उसके बाद में सबसे लास्ट में होगा पूरा मटेरियल कि आपको असाइनमेंट के अंदर क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है ठीक है अब ये होता है कि बच्चों को नहीं समझ आता असाइनमेंट कैसे बंदे क्योंकि बहुत अपोजिट होते हैं और बच्चे डरते हैं कि भाई मैं सबमिट करवा दूँ क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा मैं फेल हो जाऊंगा तो भाई सिंपल सी बात है कि फेल होगा तो नुकसान है और यहाँ पे अगर आप एक बार फेल हो जाते हो यूनिट के अंदर तो आपको रिसिट का मौका मिलता है अगर आप रिसीट में फेल हो जाते हो तो देन आपको पाँच सौ पाउंड देने पड़ेंगे दोबारा यूनिट के अंदर बैठने के लिए अगर फिर भी फेल हो जाते हो तो फिर आपको यूनिवर्सिटी बाहर निकाल देती है ठीक है जब बच्चे जाके इलीगल हो जाते हैं और फिर अब मैं आपको ये समझा देता हूँ जैसे मैं मेरा एज एन एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि मैंने जो मेरी Uh, अभी लास्ट यूनिट का मेरा जो असाइनमेंट था इसमें सबसे पहले आप देखो कि इसमें डेट लिख रखी है कि मेरे को uh, नौ तारीख को बारहवें महीने की मेरे को असाइनमेंट सबमिट करना था ठीक है मेरी यूनिट थी इवेंट मैनेजमेंट और मेरा कोर्स के बारे में इसमें लिख रखा है ठीक है इसमें लेंथ थी मेरी तीन हज़ार वर्ड्स की उसके बाद फिर लिख रखा है कि मेरे को यूनिट लर्निंग आउटकम्स उसमें मेरे को असाइनमेंट के अंदर क्या क्या लिखना है इसमें बेसिकली क्या था कि मेरे को एक रिपोर्ट तैयार करनी थी कि अगर मैंने कोई इवेंट किया हो या फिर मैं कोई फ्यूचर में इवेंट करूँगा तो इवेंट कैसे होता है मतलब उसमें कितने बंदों की टीम हायर करनी थी कितना खर्चा आएगा उसमें कैसा इवेंट रहेगा ठीक है ठीके? ये पूरी जानकारी मेरे को असाइनमेंट के अंदर लिखनी थी जब असाइनमेंट शुरू होता है उसमें सबसे पहले ऊपर लिखते हैं आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपका नाम, आपका नाम और यूनिट का नाम और आपका जो स्टूडेंट आईडी डी होती है वो उसके अंदर आपको लिखना है ठीक है उसके बाद में फिर आता है कंटेक्स बीच में मटेरियल और सबसे लास्ट में होती है रेफरेंसेस आपको सबसे पहले लिखना है उसके अंदर इंट्रोडक्शन फिर बीच में उसका जो सारा मेन पार्ट होता है सबसे लास्ट में आती है रेफरेंसेस ये आपको उसमें असाइनमेंट के अंदर लिखना है मैं कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे क्या लिखना है ठीक है फिर उसके बाद में चीज़ें जो निकल के आती हैं कि सबसे मेन होता है सबसे मेन होता है रेफरेंसेस रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है कि लाइक आपने कोई भी डाटा कहीं से भी उठा लिया मान लो एक्स वाई जेड अपने वेबसाइट से डाटा उठा लिया तो आपने वो डाटा वहाँ से उठाया उसका लिंक डालना पड़ेगा ऑथर का नाम डालना पड़ेगा और वो सन भी डालना पड़ेगा उस ऑथर ने वो वो कब बात सारी के सारे लिखी थी ये रेफेंसेज होती है अलग अलग होती हैं ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू तो यूनिवर्सिटी और आपकी जो यूनिट होती है उसके हिसाब से डिपेंड होते हैं कि हार्वर्ड स्टाइल में लिखनी है कैसे लिखनी है रेफरेंसेज आप अपने टीचर से जाकर पूछ सकते हो कि आपको रेफ्रेस कैसे लिखने हैं फिर आपने असाइनमेंट बन गई आपने असाइनमेंट कर दी सबमिट ठीक है अब चीज़ जो निकल के आती है कि जब आपने असाइनमेंट सबमिट कर दी है तो आपको तीन चांस मिलेंगे असाइनमेंट सबमिट करने के एक दो और तीन पहला तो इसलिए होता है कि अगर आप मान ली असाइनमेंट सबमिट कर दिए तो फिर आपका जो प्लेगरिज्म होता है वो कितने परसेंट शो कर रहा है अब मान लो कि आपका पचास परसेंट प्लेगरीजम शो कर रहा है तो आप ये देखो कि प्लेगरिज्म शो कहाँ पे कर रहा है मान लो रेफरेंसेस का प्लेगरिज्म शो कर रहा है तो रेफरेंसेस का प्लेग्रीजम कभी काउंट नहीं होता है क्योंकि वो तो कॉपी होगी भाई एक ऑथर ने जो बात लिखी है तो बाकी के बंदे भी वहीं से उठाएंगे उस ऑथर की बात को ना तो रेफरेंसेस का प्लेग्रिजम कभी भी काउंट नहीं होता है तो उस बात को लेके कभी आपको घबराने की नीड नहीं जो बीच का जो मेन पार्ट होता है उसमें अगर आपके टेक्सट रेड हो गए हैं और वहाँ पर आपका चालीस पचास परसेंट प्लेग्रिजम आ गया तो फिर तो आपको घबराने की जरूरत है अगर पाँच दस परसेंट है पंद्रह परसेंट है तो वो प्लेग्रिजम भी चल जाता है उसमें मैटर नहीं करता प्लेग्रीजम भी कई दिन का होता है एक रेड ग्रीन ब्लू और एक पिंकी शाह होता है पर सबसे खतरनाक होता है वो होता है रेड रेड का मतलब होता है कि सारा का सारा कॉपी करके चिपका रखा है ठीक है आपका असाइनमेंट का सिस्टम हो गया कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपको ये है कि आपका प्लेग्रिजम नहीं होना चाहिए ठीक है थीके? आपको ध्यान से पढ़ना है कि तीन हज़ार वर्ड्स हैं तो तीन हजार के पैंतीस सौ बत्तीस सौ तैंतीस सो चल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहाँ पे ये खत्म हो जाता है कि जो आप असाइनमेंट खुद से बनाते हैं उनका क्या सिस्टम होता है अब होते हैं कि जो असाइनमेंट बाहर से बनते हैं अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बना सकते असाइनमेंट्स भाई क्योंकि हमारा जो होम कंट्री का जो सिस्टम होता है एजुकेशन और रिटर्न एग्जाम्स होते हैं हो, तो हम तो भाई उस हिसाब से पढ़ के लिख के आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि असाइनमेंट बनते कैसे हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि घबराते हैं कि यार मैं बना मैं लूँगा तो फेल तो नहीं हो जाऊँगा चांसेस होते हैं फेल होने के क्योंकि पहली बार में तो आप कभी भी नहीं समझ पाते कि थोड़ा सा असाइनमेंट का सिस्टम कैसा होता है फिर बच्चे बाहर से बनवा लेते हैं ठीक है बाहर, बाहर से बनवा लिया बाहर से बनवा के सबमिट करवा दिया चल भी जाते हैं और यूनिवर्सिटी वालों को भी ये बात पता होती है कि भाई बच्चे ने बाहर से असाइनमेंट बनवाया और वो सबमिट भी करवा दिया अगर आप बाहर से बनवाते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से बनवाओ मैं कह रहा हूँ अगर बाहर से बनवाते तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको असाइनमेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ आप अगर क्लासेस लगा रहे हैं क्लासेस जरूर लगाना है तो आपका जो टीचर है वो बताता है कि असाइनमेंट में क्या क्या लिखना है क्योंकि समटाइम बच्चे बाहर से बनवा लेते हैं उसको पढ़ते नहीं हैं तो पढ़ो भी तो सही ना उसमें क्या लिखा है और जो टीचर ने बताया वो सारी चीज़ें सेम लिखे या नहीं लिखे तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है ठीक है वो मैच कर लो कि भाई सारी चीज़ें सेम है ठीक है पढ़ लो अगर मान लो क्या होता है कि समटाइम्स आपने आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया आपके टीचर ने पूछ लिया कि भाई असाइनमेंट में क्या था आपके तो अब आप क्या जवाब दोगे आप कुछ भी नहीं जवाब दे पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना तो इसलिए पढ़ लेना चाहिए असाइनमेंट असाइनमेंट के अंदर आपके नंबर कितने आने चाहिए आपके नंबर होने चाहिए पचास से साठ के बीच में सम टाइम ऐसा होता है कि नंबर आपके सत्तर बहत्तर आ जाते है आपने क्लासेस भी मुश्किल से दस बारह ही लगाई होती है अब आप आपके असाइनमेंट में नंबर आ गए सेवेंटी फाइव तो दिक्कत है भाई अब टीचर एक चीज़ हमेशा पूछेगा असाइनमेंट के अंदर टीचर हमेशा क्लास में पूछता है कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं अब आप, आपने हाथ खड़ा कर दिया आपके अस्सी नंबर है अब आप दिखे ही नहीं कभी क्लास में आपसे पूछेगा असाइनमेंट में क्या लिखा है तो दिक्कत होगी सौ परसेंट तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखना कि असाइनमेंट अगर सबमिट करते हो तो थोड़ा सा पढ़ना चाहिए ज़्यादा नंबर भी नहीं आने चाहिए ठीक ठाक से आने चाहिए चालीस नंबर वाला पास होता है ये बात हमेशा याद रखना पचास साठ परसेंट एवरेज होता है तो इतना बहुत आएंगे तो इतने नंबर भी आते हैं तो बहुत है तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इसके बावजूद भी अगर आपके कोई सवाल कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होते हैं तो आप मुझे मैसेज छोड़िए ठीक है और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा जितना मुझसे हो सकेगा अगर आपको वीडियो समझ में आती है इनफॉर्मेटिव लगती है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो धन्यवाद